अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट कानूनी आग प्रोग्राम के साथ फखर रजा मलाना। आज का हमारा टॉपिक है घरेलू खवातीन पे तशद्दुद। सामीन, मेरे मुअज्ज़िज़ कारीन, सुनने वाले दोस्त, आपको इंतहाई अदब के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि खवातीन पर कभी भी जो तशद्दुद किया जाता है वो मर्दानगी की अलामत नहीं है। देखें, खातून आपके साथ, आपके घर में आपके जिस्म का एक हिस्सा है, आपके मुआशरे का एक हिस्सा है, आपकी गाड़ी का पहिया है। उसके ऊपर अगर आप तशद्दुद करेंगे तो साफ जाहिर है वो गाड़ी नुकसान होने का चांस है, मुआशरा बिगड़ने का चांस है। अब अगर हम ये कहते हैं कि खातून पे तशद्दुद करके हम अपनी कमियां, अपनी कुताहियां जो हैं वो छुपा सकेंगे, तो हरगिज ऐसा नहीं है। देखें, अपने अंदर बहादुरी पैदा करें, आप अपने मामलात को खुश असलूबी के साथ हल करें। और देखें, उन खवातीन के लिए मेरा खास पैगाम, अगर उनके साथ, उनके घर में, उनके खानदान, उनके ससुराल में से कोई भी बंदा अगर उनके ऊपर तशद्दुद करता है, उनके साथ जिस्मानी तौर पे उनको मारपीट करता है, तो फिर उन्हें अपना हक कानून के जरिए लेना चाहिए। देखें, कानून आपके साथ है, इस पे कानून बन चुका है। पुलिस स्टेशन खवातीन के लिए अलग से बना दिए गए हैं। अपनी कंप्लेंट खातून पुलिस में कीजिए, वहां पुलिस स्टेशन में आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि आपके हकूक आपको बआसानी मिल सकें। ना सिर्फ ये कि आप फौजदारी कार्रवाई कर सकते हैं, आप थाने में अपनी तहरीर दे सकते हैं, बल्कि फैमिली कोर्ट इसके लिए बनाए गए हैं। आप अपने मामलात को फैमिली कोर्ट में लेके आ सकते हैं, आप अपने मामलात को फैमिली कोर्ट में ये बता सकते हैं कि मेरा खाविंद अगर मैं खर्चा मांगती हूं तो मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, अगर मैं अपने खाविंद से अपने बाकी हकूक मांगती हूं तो मेरे साथ तशद्दुद करता है, मेरे बच्चों का प्रॉपरली वो जो है खर्चा बर्दाश्त नहीं करता, मेरे ऊपर उन्होंने जमीन तंग कर रखी है, तो अदालत आपको आपका खर्चा दिलवाएगी, आपके बच्चे का खर्चा दिलवाएगी, इवन आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, आपको आसानी दिलवाएगी। आप अगर अपने ससुराल में खुश नहीं है तो आपका मजहब आपको परमिशन देता है कि आप अलहदा घर में रहें। अलहदा घर हासिल करना कोई ऐब नहीं है, ना मुआशरती, ना इस्लामी, ना मजहबी, ना कानूनी। अलहदा चादर चार दीवारी आपका कानूनी हक है। अगर आपको प्यार से, मोहब्बत से, आपकी डिमांड से आपका खानदान नहीं देता तो आप ये सारी चीजें हासिल करने के लिए अदालत से रजू कर सकती हैं, फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती हैं, और इंतहाई कम वक्त में अदालत आपको आपका हक दिलाएगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे, मेरी टीम मेंबर को, मेरे इस चैनल पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आपके सवालात का जवाब भी मिलेगा। और अगर आपको कहीं अदालत में कोई परेशानी हो रही है तो मेरी पूरी टीम हर वक्त आप दोस्तों को, मेरे कारीन को, मेरे नाजरीन को, मेरे दोस्तों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, सुनने वालों को कानूनी मदद देने के लिए तैयार है। वो पूरे पंजाब में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपका साथ देंगे, इंशाल्लाह हम आपको आपका कानूनी हक देंगे। और मेरे मजीद जो है प्रोग्राम्स देखने के लिए, कानूनी मामलात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक मुसलसल पहुंच सकें और आप आगा रहें अपने कानूनी हक से, मेरे प्रोग्राम कानूनी हक के साथ। शुक्रिया।